आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, मगर कोई ना कोई अड़चने और बाधाएं आ रही है। खुद का घर ले नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। परिवार के कोई भी सदस्य की विवाह में विलंब हो रहा है, बेटा हो या बेटी, विवाह में विलंब हो रहा है। रुपयों की तंगी की वजह से आप परेशान रहते हैं, रुपयों की तंगी का आपको सामना करना पड़ता है। मजबूरन आपको कर्ज करना पड़ता है और वो कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जाता है। दोस्तों, आज कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे, पहले उपाय को समझेंगे कि ये उपाय कैसे काम करते हैं, बाद में ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर मैंने जो समस्याएं बताई वैसी समस्या है तो आपका खुद का घर नहीं ले सकते हैं, परिवार में किसी के भी विवाह में विलंब हो रहा है, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, रुपयों की तंगी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में मंगल, शनि, शुक्र और चंद्र, ये चार ग्रह ठीक नहीं है। चार में से दो ठीक नहीं है, चार में से एक ठीक नहीं है, तो वैसी समस्याएं और परेशानी जीवन में आ सकती है। तो कुछ उपाय कर लेते हैं। तो जो ग्रह ठीक नहीं है, जो ग्रह का अशुभ प्रभाव है जीवन के ऊपर, वो प्रभाव कम हो जाएगा, वो ग्रह अनुकूल हो जाएगा और ऐसी समस्याएं जीवन से अवश्य दूर हो जाएगी। पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, मैसेज करके रख दे। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी, आप नंबर नोट कर लो, 8732985130। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके रख दे। पहले तो आपके ऊपर कर्ज है, लाख कोशिश करने भी पर भी आप कर्ज चुकता नहीं कर सकते हैं। आप खुद का घर नहीं ले सकते हैं, घर लेने में कोई ना कोई अड़चने और परेशानी आ रही है। दोस्तों, मैंने मेरे अनेक वीडियोस में आपके साथ एक बात शेयर की है, सृष्टि के ऊपर जितनी भी चीजें कुदरत ने बनाई है, सभी चीजों का अलग अलग ग्रह से सीधा संबंध है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। कुछ खास दिन पर कुछ खास चीजें आप दान करते हैं, कुछ खास चीज आप जलाते हैं, छोटा यज्ञ करते हैं, कुछ खास चीज कुछ खास दिन पर कुछ खास समय पर आप आहार में लेते हैं, तो उनसे जुड़े जो ग्रह है वो ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, और जो अशुभ प्रभाव है वो अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। तो पहले खुद का मकान और कर्ज मुक्ति के लिए एक छोटा उपाय देता हूं। दोस्तों, आपके घर के अंदर साउथ में यह है लाल मसूर दाल, सभी जगह आसानी से आपको मिल जाएगी। आप इंडिया में रहते हैं या तो
फर्श के बाहर रहते हैं, ये मसूर दाल आपको आसानी से मिलेगी। ये मंगल है, मंगल का प्रभाव है। आपको क्या करना है, एक कांच के बर्तन में, कांच के ग्लास में या तो कांच के बाउल में पूरा ग्लास भर दे मसूर की दाल का। मंगलवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद इस ग्लास को घर की साउथ वाली दिशा में रख दे, दक्षिण दिशा में इस ग्लास को थोड़ा ऊपर रख दे। महीने में एक बार ये मंगलवार रख दिया, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार और चौथा मंगलवार आए तब इस दाल को कोई बड़े पेड़ पौधे के नीचे गार्डन में जाके बिखेर दे। नया ग्लास भर के खुला रखना है, साउथ में रखना है, हमेशा के लिए रखना है। पूरे परिवार के कोई भी सदस्य के बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में मंगल ठीक नहीं है तो मंगल अनुकूल हो जाएगा धीरे धीरे। मंगल की वजह से जो भी समस्या आ रही है वो समस्या कम हो जाएगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। अब कर्ज मुक्ति के लिए, आपको कर्ज चुकाना है मगर आप चुका नहीं सकते हैं, आपकी नियत में खोट नहीं है मगर परिस्थितियां है विपरीत है, आपके पास रुपये आते हैं मगर आप कर्ज नहीं चुका सकते, दूसरी जगह रुपये खर्च हो जाते हैं। महीने में एक बार 900 ग्राम मसूर की दाल लेनी है। ये मसूर की दाल 900 ग्राम आप मार्केट में से ले आए। मंगलवार के दिन महीने में एक बार उपाय करना है और कम से कम 9 मंगलवार तक करना है, मतलब 9 महीने तक आपको उपाय करना है। 900 ग्राम मसूर की दाल ले, ये मंगल है। 1 रुपये वाले 8 सिक्के जो मसूर की दाल का आप पैकेट तैयार करवाते हैं उसके अंदर वो पैकेट में 1 रुपये वाले 8 सिक्के रखने हैं। कैसे उपाय काम करता है दोस्तों, जो रुपये के सिक्के हैं वो लोहे के हैं, स्टील के हैं, 8 सिक्के डालने हैं तो लोहा शनि है, शनि का प्रभाव है लोहे के ऊपर, स्टील के ऊपर, तो मंगल और शनि दोनों चीजों का आपको दान करना है। ये पूरा पैकेट आप शिव मंदिर में जाके रख दे मगर साथ में ही रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। मसूर की दाल का जो आपने पैकेट तैयार किया है उस पैकेट में 8 रुपये के सिक्के रख दे, बंद कर दे पैकेट को, पैक कर दे, शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, मंदिर में शिवलिंग के पास रख देना है। अब मंदिर में बैठकर 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास समय है, महीने में एक बार यह उपाय करना है। मंदिर में बैठकर एक मंत्र बोलता हूं, वो मंत्र के जप करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मंत्र याद न रहे मैंने नीचे डीपी बुक्स में ये मंत्र लिख कर रखा है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अब उपाय तीसरा, परिवार के कोई भी सदस्य के विवाह में विलंब हो रहा है, छोटा उपाय करें, एक मुट्ठी जितनी या तो 50 ग्राम 100 ग्राम की मात्रा में मसूर की दाल आपको बाजार में से लानी है। जितनी मसूर की दाल है उतने ही चावल मिलाने हैं, साफ सुथरे चावल मिलाने। अब दोनों चीजों को पीसकर पाउडर कर ले, एक डिब्बे में भर के आप रख दे। हर सोमवार, हर मंगलवार और हर शुक्रवार जब स्नान करने के लिए जाए तब हफ्ते में 3 दिन, सोमवार मंगलवार और शुक्रवार 3 दिन जब स्नान करने जाए तब 1-2 चम्मच जितना ये पाउडर निकाले, कोई कांच की कटोरी में अपना जो चाय पीते हो चाय की डिश में 1-2 चम्मच जितना पाउडर निकाले, थोड़ा दूध डाले, दूध कोई भी चलेगा दोस्तों। शुक्र मंगल और चंद्र ये तीनों को हम बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा दूध डाले। दोबारा बोलता हूँ, दूध कोई भी चलेगा, कमेंट बॉक्स में ना पूछिए, गाय का भैंस का गर्म ठंडा कोई भी दूध चलेगा। पेस्ट बनाए, अच्छी तरह से मिला के पेस्ट बनाए, ये लेके आप आपके स्नान घर में
बाथरूम में चले जाइए स्नान से पहले। इस पेस्ट को पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर, दोनों हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ना है। बाद में जो भी बालों में ना लगाइए, ये पेस्ट बालों में नहीं लगाने। बाद में जो भी साबु शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं वो साबु शैम्पू से आप स्नान कर ले। याद रहे सोम मंगल और शुक्र तीन दिन आपको ये उपाय करना है। तीनों उपाय आप ठीक से समझते होंगे। पहला उपाय, महीने में एक बार मंगलवार के दिन इस मसूर की दाल को बदलना है। दूसरा उपाय, महीने में एक बार मंगलवार के दिन 900 ग्राम मसूर की दाल 1 रुपये वाले 8 सिक्के पैकेट में डाल देना है, साथ में रखना है। पैकेट पैक करके शिव मंदिर में जाके रख देना है। 5 मिनट बैठ कर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जप करना है। और तीसरा उपाय, मसूर की दाल और चावल की पेस्ट बनाकर पूरी बॉडी के ऊपर रगड़ के आपको स्नान करना है। दोस्तों, तीन में से जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, तीनों उपाय साथ में कर सकते हैं, या तो आपकी जो समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय ठीक से समझ में आ गए, फिर भी कोई बात समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी को जवाब मैं अवश्य देता हूँ। बस दोस्तों, आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।